राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने देश व प्रदेश के बिगड़े हालात के लिए भाजपा सरकार द्वारा जनता की अनदेखी व स्वहित साधने की नीति को जिम्मेदार बताया। पायलट ने कहा कि आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से आम जन में हाहाकार मचा हुआ है, परंतु विभाग के मंत्री जनता को राहत देने के स्थान पर भाजपा के केंद्र सरकार के नकारा चार वर्षों के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों में लगे हुए हैं। उनमें जनता की पीड़ा के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा की नीतियों के कारण किसान आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, परंतु सरकार दिखावटी कर्ज माफी का ढोंग रच रही है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन वाले संभाग में फिर एक किसान ने लहसुन की खरीद नहीं होने से आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाती है, परंतु वास्तविकता में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर भ्रष्टाचार को संस्थागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक समय भाजपा के द्वारा ही भ्रष्टाचारी बता दिया गया हो, उसे ही प्रदेश में बिजली विभाग में उच्च पद पर लगाकर पाक साफ बताया जा रहा है। इसी तरह खनन घोटाले के आरोपी अधिकारी को पदोन्नत कर दिया गया, जो भाजपा के दोहरे चरित्र का परिचायक है।